फतेहाबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल शहर के हाईवे, स्टेट हाईवे, बाजारों से लेकर गली चौराहे तक पोस्टरों और होर्डिंग लगी हुई है, जिसके चलते शहर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जिसे लेकर वकील सुशील बिश्नोई ने प्रशासन से शहर को पोस्टर मुक्त करने की मांग की। बता दें कि सुशील बिश्नोई ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का भी हवाला दिया। बिश्नोई के अनुसार सड़क किनारे लगे इन होर्डिंग की वजह से वाहन चालक का ध्यान बढ़ सकता है और कोई भी दुर्घटना घट सकती है, जिसे लेकर वकील ने उपायुक्त के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। फतेहाबाद जिले की पूरी नेशनल और स्टेट हाईवे पे बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगाकर फतेहाबाद में भाजपा टिकट चाहने वालों ने एक आतंक से मचा रखा है, जिससे आम लोग परेशान हैं। क्योंकि गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने सामने देखने के बजाय पहले उधर देखते हैं, उसे एक्सीडेंट का बहुत भारी खतरा रहता है। पहले तो बैल और उनसे खतरा था, अब ये नए खतरे पैदा हो गए हैं। अगर किसी टिकट लेनी है तो अपना काम करे जनता के बीच में और टिकट लें, पार्टी से टिकट मांगे कोई आपत्ति नहीं किसी को, पर जनता को नुकसान ना पहुंचाए। चाहता हूं कि इनको तुरंत हटाया जाए और ये कार्रवाई कानूनी कार्रवाई जाए।